हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लेके आ गए आपके लिए पार्ट फोर केमिस्ट्री का, सीरीज ऑफ केमिस्ट्री से जो केमिस्ट्री का सेशन है वो अब आ गया आपके पास। हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हमने कल पढ़ा था वो पार्ट थ्री था, जहाँ पे आपने यूज़ किया सर वाई वी यूजिंग केमिस्ट्री। तो हमने पता है कि हमने यूज़ क्यों करना है। अब आज पढ़ेंगे सर केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी होती है गाइज, तो प्लीज़ कंप्लीट। तो गाइज जानना ज़रूरी है आपको ये चीज़ें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। प्लीज़ प्लीज़ कंप्लीट लेक्चर देखो, कंप्लीट लेक्चर देखना ज़रूरी है आपको। अदरवाइज कंप्लीट लेक्चर नहीं देखोगे तो उसमें आपका ही लॉस है। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल हमने बात कर ली थी, आज फिर से बात करेंगे। सेकेंड ब्रांच है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड ब्रांच होती है गाइज फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीन ब्रांचेस तो आपको पता होगी ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास जो पढ़ रहा है नाइन्थ से लेकर स्टूडेंट, उसको तो ये तीन ब्रांचेस के बारे में ऑलरेडी पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता है, केमिस्ट्री आपकी जो होती है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में होता है। फिर भी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल ये ब्रिज कोर्स है, तो ब्रिज कोर्स में आपका धीरे 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 आगे बढ़ना है अपने को। डिटेल डिस्कशन का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना गाइस। ओके, इतना फास्ट नहीं कि सर एक साथ सब कुछ पढ़ लें। तो सिर्फ इतने ही ब्रांचेस है क्या? नहीं, इसके अलावा भी ब्रांच है। तो कौन सी है सर? सेकेंड ब्रांच है आपकी सर कौन सी? आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो केमिस्ट्री की ब्रांच सर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रोग्रेस होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर सर। नेक्स्ट कौन सी होती है आपकी? एनालिटिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री अलग ब्रांचेस आ जाते हैं सर, एज कम्पेयर टू तीन ब्रांचेस सर। बायोकेमिस्ट्री में आपको नाम पे समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है, बट एनालिटिकल केमिस्ट्री में अंडरस्टैंड नहीं होता सर क्या एग्जैक्टली कौन सी ब्रांच है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सी ब्रांच है गाइस। ओके, डोंट वरी, आपको इसके बारे में भी नॉलेज पता चल जाएगा गाइस। ओके, तो हम बड़े आगे तो देखते हैं हम आज हम कौन सी ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पता है ब्रांचेस में हम सबसे पहले बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सर केमिस्ट्री क्या है ऑर्गेनिक में? कार्बन की स्टडी करनी होती है सिंपल। अब कार्बन जहाँ होगा वहाँ पर तो हाइड्रोजन होगा। इन शॉर्टली सर यहाँ पे पढ़ाई किसी करनी है आपको? हाइड्रोकार्बन की पढ़ाई करनी है। किसकी पढ़ाई करनी है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जो स्टूडेंट अभी एट में है उन लोगों ने अभी इसकी तरफ ध्यान मत देना, इन चीज़ों की तरफ, उनको मैं पढ़ा दूंगा। मैं बता दूं आपको कार्बन की वैलेंसी होती है फोर सर। वाई कार्बन शुड का फोर वैलेंसी, फिलहाल इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। जो ऑलरेडी जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो रहने तो पता है, जो एट और नाइन से बिलोंग करते हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। अब मेरे पास जो पढ़ रहा है उसको तो डेफिनेटली पता है, अब मेरे पास जो नहीं पढ़ रहा है ना उसके को पता नहीं होगा। तो प्लीज़ टेंशन मत लो, कार्बन की वैलेंसी फोर क्यों आई है ये आगे ब्रिज कोर्स में क्लियर होगा गाइस। ओके, दिस इज द सेशन जहाँ से आपको फाउंडेशन से पूरा क्लियर किया जाएगा केमिस्ट्री का नॉलेज। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी फोर है और हाइड्रोजन ही क्यों सर इसके साथ आता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा पॉइंट आगे जाके सर। कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही तो अकेला एलिमेंट नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है। मान लो कि नाइट्रोजन है, मान लो ऑक्सीजन भी है सर, हाइड्रोजन भी है हमारे पास। हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सर ना, वाई भी कॉल्ड हाइड्रोजन। इनको भी क्यों बोलते हैं सर ये भी बाद में बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि हमें इनके बारे में क्यों जानना है और क्यों पढ़ना है इतना। ओके, तो सर हाइड्रोकार्बन की स्टडी जिसमें होती है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का जिसमें स्टडी होता है सर, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं गाइज। ओके, अब बात करते हैं हम इसके इमेजेस की सर। लुक एट द इमेजेस गाइज। ओके, ये इमेजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है आपको। प्लांट्स है, एक तरफ फर्नीचर दिख रहा है, एक तरफ केमिकल्स दिख रहे हैं, एक तरफ क्लोथ दिख रहे हैं आपको। ओके, चार इमेजेस मैंने काफ़ी ढूंढ के मुश्किल से यहाँ पे निकाली है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल रिलेट करती है गाइस। वुड इज अ पार्ट ऑफ द बिल्कुल कार्बन है सर, केमिकल्स तो आपको माता है ऑर्गेनिक से बनते हैं। प्लांट्स में सर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है सर वो भी एक प्रोसेस है, इनऑर्गेनिक की प्रोसेस है। लेकिन सर रिएक्शन जो होती है, प्रिपरेशन जो होता है ग्लूकोज C6H12O6 फार्मूला, जो अभी एट और नाइन्थ में बच्चे हैं, टेंथ वालों को रिएक्शन है ये, टेंथ में जो मेरे पास पढ़े उनको पता होगा। जो नहीं पढ़ेगा इस टेंशन लो मत, आगे पढ़ना है अपने को। ओके, एट नाइन्थ और टेंथ एज वेल एज सेवन स्टैंडर्ड के भी कुछ बच्चे होंगे तो उनको बता दूं मैं आपको, आपके लिए भी ये लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्लोथ जो होता है वो कॉटन होता है। अच्छा, कॉटन में क्या होता है भाई? कार्बन होता है, ये बात को भी आपने समझ लेना। आगे बढ़ते हैं हम इमेजेस के बाद में, आपको आती है सेकेंड ब्रांच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक में क्या होता है भैया? पीरियोडिक टेबल की स्टडी सर। ओके, सारे एलिमेंट्स सर जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड नहीं है, मतलब बेटा वो छोड़कर, ऐसे कार्बन की स्टडी करते हैं हम इनऑर्गेनिक के अंदर, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर सर, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड अदर देन कार्बन हाइड्रोजन सर। तो आपके पास एलिमेंट आ गए NaCl, सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, वाटर, ये सारे एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में आते हैं।
प्लीज़ देख लेना एक बार इसको, ओके। अगर लेक्चर फास्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको पॉज करके इसकी इनोबेजेस निकाल के नोट करके इसके कर सकते हो, ओके। अब ये लेक्चर आपका 5 मिनट के ऊपर जाने वाला है बिकॉज ऑफ दिस ब्रांचेस। फिजिकल केमिस्ट्री की बात अगर मैं करूँ तो इसके अंदर बात होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग सर, डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज सर। आपको मालूम है फिजिकल प्रॉपर्टीज के सब्सटेंसेस होते हैं सर, जैसे कि आपके पास एक सॉलिड कंपोनेंट है, आइस वाला एग्जांपल ले लो, आपके पास लिक्विड है सर, वाटर वाला एग्जांपल ले लो सर आपका, और गैस स्टीम ले लो सर आपके पास, ओके। तीनों एग्जाम में आपके पास सर, मैं तीनों के एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर एक ही इसके अंदर, तो आपको समझ जाएगा सर तीनों एग्जाम्पल में एक में क्यों ले रहा हूँ सर। ये ले लो आप आइस, ये ले लो सर आपका लिक्विड वाटर वाला, और ये वाटर का ही सर दूसरा आपका स्टीम ले लो आप, ओके। तीनों की अलग अलग स्टेट है सर, ओके। अब इसमें क्या पढ़ना है भैया, इसमें आप लोग पढ़ना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये कन्वर्जन जो है सर, ये कहाँ से आता है, ये बिलोंग करता है आपका केमिस्ट्री में सर। कहाँ बिलोंग करता है, केमिस्ट्री में। कैसे सर, केमिकल कंपोजिशन का पार्ट भी केमिस्ट्री में आता है सर। जैसे कि वाटर का एग्जाम्पल, तो वाटर बना कैसे, एक ऑक्सीजन ने आपको दो हाइड्रोजन को सर कंबाइन कर लिया सर, क्यों किया इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल ब्रिज को सर ध्यान दो इधर। तो ये सर होता है सर आपका कंपोजिशन सर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन सर। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, जिस सॉलिड को लिक्विड बनाना है, अब लिक्विड को गैस भी तो बनाना है सर, तो सॉलिड टू लिक्विड अगर जा रहा है तो वो होता है मेल्ट, अगर लिक्विड टू गैस जा रहा है तो होता है इवेपोरेशन सर, लेकिन गैस से लिक्विड आने को बोलते हैं कंडेंसेशन, अब लिक्विड से सॉलिड जाने को बोलते हैं सर फ्रीजिंग। जो आप फ्रीज में सर करते हो वो क्या करते हो, फ्रीजिंग करते हो सर आइस, सर वाटर को आइस बनाने के लिए, ओके। बाद में बात करते हैं आगे जाके कुछ कंपोनेंट की सर, अलग अलग एलिमेंट है आपके पास। बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच आ गई, मैंने कहा था ना आपको डीएनए आरएनए से चीज़ें जो है सर वो कहाँ जाती, बायोकेमिस्ट्री में आ जाती बेटा। अब आपको पता होगा डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं वो कार्बन से बनते हैं। बच्चों 8, 9, 10 वाले ध्यान मत देना, ये 11, 12 के लिए पॉइंट था। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है कार्बन से बनता है, और जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर निकालते हैं तो वो सिंगल हेलिक्स दूसरे सिंगल हेलिक्स से क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। तो बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन से होती है सर, तो उसी वजह से सर इसको बायोकेमिस्ट्री का पार्ट दिया गया है। अब लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री सर, जिसके अंदर आप मेजरमेंट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, मेजरमेंट सर, कितने अमाउंट में आपका बॉइलिंग पॉइंट है, कितने अमाउंट में आपका मेल्टिंग पॉइंट है, या मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, क्वालिटी एंड क्वान्टिटी एनालिसिस सर जिसमें होता है केमिकल कंपोजिशन के अंदर, वो पार्ट होता है सर आपका एनालिटिकल में। जैसे कि आपकी बीपी चेक कर रहा है कोई बंदा, तो आपकी बीपी की हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू और मिडल वैल्यू, ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। केमिस्ट्री में सर कोई अननोन केमिकल है, अननोन केमिकल के भी आपके बारे में नॉलेज सर, नोन केमिकल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो ही सर आपको पता चलेगा। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री उससे बिलोंग करती है सर। तो ये सारे लेक्चर आपको इससे थे, तो केमिस्ट्री की क्या क्या निकली ब्रांचेस गाइज। लेक्चर थोड़ा 10 मिनट का बनेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कम्प्लीटली वॉच करो। एनवायरमेंटल साइंस में केमिस्ट्री यूज होती है सर, सेकंड आपका एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री यूज होती है सर जो कि हमने देख लिया, मेट्रोलॉजी में केमिस्ट्री यूज होती है सर। मेट्रोलॉजी क्या है बाद में बात करेंगे, लेकिन सर मेटल से रिलेटेड होगा तो ये याद रखना आपने, केमिस्ट्री वापस होती है। मेडिसिन का आपका यूज करते सर केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है सर उसमें प्रिपरेशन होता है सर किस चीज़ का, मेडिसिन का, बट मेथड जो होती है सर वो भी क्या होती है, केमिस्ट्री से अप्लाई होती है सर। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं सर वो भी क्या होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं गाइज, ओके। फॉरेंसिक साइंस, क्राइम के जगह पे आप जो सैंपल कलेक्ट करते हो, जैसे कि बाल किया आपने, ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया, तो इसकी टेस्टिंग करने का काम कौन करता है सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट करता है। तो वहाँ पे भी क्या यूज हो रही है भैया, केमिस्ट्री यूज हो रही है वहाँ पे भी, ओके। लास्ट में आपका बायोलॉजिकल साइंस आ रहा है सर, जिसमें डीएनए आरएनए जैसे सब्सटेंसेस आपको पढ़ने सर, रेड ब्लड सेल क्या होते हैं वो आपको केमिस्ट्री रिलेट करता है सर आपका। उसके बाद सर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सर ग्लूकोज मिल रहा है आपको, तो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन कैसे होता है सर, दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री सर, इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री गाइज। आपको ब्रांच समझ में आई होंगी, तो आई होप सो आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरे लेक्चर देखे जो कि हमारे वीडियोज बने हैं, 5 वीडियोस बन गए ये ब्रिज कोर्स के ऊपर, लेकिन आगे ये सीरीज कंटिन्यू होने वाली है, भूलना मत। ये पहला कोर्स था आपका ब्रिज का जो आपने 5 वीडियो में हमने एडिट किया था, 10 मिनट का लेक्चर था, ये साइड हो चुके हैं, 10 मिनट का लेक्चर है पूरा। तो प्लीज़ 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 थैंक यू वेरी मच, आपने देखा। लाइव क्लासेस के लिए हम जल्दी आएंगे दिवाली के बाद, लेकिन फिलहाल आपको जितने ब्रिज कोर्स में डाल रहा हो प्लीज़ वॉच कर लीजिए कम्प्लीटली, ओके। तो ये कम्प्लीट लेक्चर आप लोग को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी गाइस, ओके। तो विल सी यू टुमारो गाइस ऑन द सेकंड लेक्चर सर।